इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड जेल। सिबोनेक प्रोडक्ट आती है, 30 ग्राम की ये जेल फॉर्मूलेशन है। और जेल में आपको बताऊं कि 2% भी है, 6% भी है, 17% भी है। जेल के अलावा सीरम भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अभी जिल्द के ऊपर मसला क्या होता है कि कभी कभी वार्ट या कॉर्न्स वगैरह सख्त किस्म के दाने से बन जाते हैं। अभी उसके ऊपर आप जेल अप्लाई ऐसे करते हो कि आप पहले तो अपने जहाँ पे कॉर्न वगैरह बना हुआ है उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हो, उसके बाद हर रोज़ आप हर रात को अप्लाई करते हो और सुबह के टाइम जब नींद से उठते हैं तो धो लेते हैं। तो इस तरह प्लांटर वार्ट्स, कॉर्न्स और कैलोसिस के लिए बड़ा ही मुफीद है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स याद रखें कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो कभी कभी चुभने वाली या जलने वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, आपकी जिल्द जल रही होती है, या सर चकराना, या सर में दर्द हो जाना, या कभी कभी जिस जगह पे अप्लाई करते हैं तो उस जगह पे स्किन ख़राब भी हो सकती है, स्किन उतर जाती है, या स्केलिंग बड़ी सख्त सी हो जाती है, या हाइपर वेंटिलेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती हैं। कुछ वार्निंग साइंस याद रखें कि अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। और अगर किसी को कोई एलर्जी है सिबोनेक से तब भी इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़वातीन के लिए ख़ास करके ये ड्रग जो टॉपिकल फॉर्म है यानी जेल है या कोई सीरम है तो जिल्द के बाहर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस तरह की कोई टैबलेट या ड्रग आप खा नहीं सकते क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एबनॉर्मल बर्थ करवा सकता है। ख़ास करके जब बच्चा पैदा हो गया है और उसको आप दूध पिला रही हो उस दौरान भी इस ड्रग से गुरेज करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये थी आपके पास प्रोडक्ट सिबोनेक। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।